गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से लिखिएगा मजुमदार साहब। अगली रस्म है परीक्षा, इसमें लड़की का बाप लड़के को परीक्षा देता है। मजुमदार साहब, आप माधव के साथ पूजा में बैठेंगे। अब उसके लिए जो जो सामग्री आवश्यक है वो आप लिख लीजिए। जी। इसके लिए चाहिए 10 किलो पूरे काजू, 10 किलो बादाम, 10 किलो पिस्ता और 10 किलो अखरोट। उसमें 5 अलग अलग किस्म की मिठाई, डिब्बे कम से कम 2 किलो के होने चाहिए। और हाँ, उसमें काजू कतरी जरूर डालिएगा। क्या है ना, किसी और तरह की मिठाई हम लोगों को हजम ही नहीं होती। और इसके बाद 5 अलग अलग फलों की टोकरियां। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए उसमें केले और बेर डालकर मत रखना। अच्छा फल हो, जैसे अंगूर, अनार, संतरा, कश्मीरी सेब, ये सब। ध्यान रखिएगा, सारा माल पान दरीबा की मंडी से उठाइएगा, वहां ताजा माल मिलता है। चौक से नहीं, जहां से एक दिन का पुराना बासी माल मिलता है। इसके बाद आती है बारी कपड़े लत्ते की, लड़के के कपड़े, साथ में लड़के के माँ बाप और रिश्तेदारों के कपड़े। बड़े बुजुर्गों के लिए लाल इमली के गरम सूट और बुजुर्ग औरतों के लिए पश्मीने के शाल। शुक्लाई, जरा जोड़ लगाकर बताना तो, हमें कुल कितने गरम सूट और कितने पश्मीना के शाल चाहिए? लगभग 25 होंगे माता जी। अरे बच्चे भी तो गिन। इसके अलावा घर की जितनी भी औरतें हैं, उन सब के लिए 2-2 बनारसी साड़ियां। साड़ियां अच्छी होनी चाहिए, ये इस तरह की जैसी आप पहन कर आई हैं ना, धोतियां नहीं चलेगी सस्ती वाली। कुल मिला के 40 हो जाएंगे माता जी। सुन लिया आप लोगों ने, हम आपको फिर बता रही हैं, जैसी आपने पहनी है ऐसी धोतियां लेकर मत आ जाइएगा। अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज, एक सोने की गिन्नी पत्तल की कटोरी में रखकर लड़के के हाथ पर रखिएगा। ये शगुन होता है समृद्धि और उन्नति के लिए। ध्यान रहे, गिन्नी सोने की होनी चाहिए, सोने का पानी चढ़ी नहीं। आप लिख रहे हैं ना मजुमदार साहब? हाँ। अच्छा, परीक्षा के बाद आता है तिलक। यहाँ मुसीबत है, तोते की तरह सब समझाना पड़ता है। खैर छोड़िए, जितनी फहरिस्त हमने बनवाई है वो सारा का सारा सामान 3 गुना कर दीजिए, वो तिलक में लगता है।
हमने आपको जो चीजें लिखवाई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कुछ भी चूकना नहीं चाहिए, शगुन का मामला है। वैसे आप लोगों का तो हमें पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो शादियां इसी तामझाम से होती है। अरे मजुमदार साहब, आप लिख रहे हैं ना? जी लिख रहा हूँ। इसके अलावा सबके कपड़ों के साथ कम से कम 2001 रुपए का नेक तो जाएगा ही जाएगा। नेक समझती है ना आप? जी हाँ, नेक वही ना जो शगुन के पैसे हाथ पे रखते हैं। अरे वाह, आप उतनी जल्दी तो नहीं है जितनी दिखती है, है? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि नेग आपको 2001 का ही देना है, आप 5001 का भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अरे शुक्लाई, वो मिश्रा जी के यहाँ से रिश्ता आया था ना, क्या क्या दे रहे थे? अरे माता जी, वो तो एक प्लॉट देने के लिए जिद पकड़ कर बैठ गए थे, और एक कार थी बड़ी सी, भला सा नाम था, भूल रही हूँ। छोड़ो ना, क्या जरूरत है तुम्हें याद करने की? मजुमदार साहब ने देनी होगी तो अपनी मर्जी से दे देंगे, या फिर माधव से पूछ लेंगे। अभी देखिए, आप लोगों ने जो भी देना है अपनी बेटी और दामाद को देना है। हम शुक्लाइन कौन सा मरने के बाद छाती पर धर कर ले जाएगी। मजुमदार साहब, अगर माधव की शादी हमारी अपनी बिरादरी में हो रही होती तो ये सब चीजें बहुत ही मामूली सी बात है। जी लिखी रहा हूं। मजुमदार साहब जी, वो कलम में स्याही खत्म हो रही है। लो शुक्लाइन, अरे फेहरिस्त बनाने में ही इनकी कलम की स्याही खत्म हो गई। इतना सामान लाने में और हमारी बराबरी करने में तो पता नहीं इनकी कितनी पुश्तें बिक जाएंगी। शुक्लाइन, इन्हें भरी स्याही वाला पहन दो। लीजिए। अब अच्छी तरह से लिखिएगा। हाँ तो बताइए, क्या क्या लिखा है आपने? जी यही कि आपकी 3 रस्में हैं। सबसे पहले तो गोद भराई, जिसकी डिटेल्स मैंने लिख ली है। उसके बाद है दीक्षा। क्या? अरे मजुमदार साहब, आपका ध्यान कहाँ है? ये भिक्षा क्या है? अरे ये भिक्षा विक्षा भिखारियों के यहाँ होती होगी। हमारे यहाँ जो रस्म होती है उसको बरीक्षा कहते हैं। बरीक्षा, समझ गए आप? जी माता जी, वो लिखने में गलती हो गई। अभी से गलतियां शुरू हो गई मजुमदार साहब। ओहो, इतनी भद्दी लिखाई है आपने, लगता है जैसे पन्नों पर कीड़े रहे। जरा साफ और स्पष्ट लिखा कीजिए। पता चला कि इसी चक्कर में जरूरी चीजें छूट ही गईं। लीजिए। देखिए, परीक्षा के बारे में हमने आपको सब बता दिया है। जी वो आप वो तिलक की रस्म के बारे में बता रहे थे जब। हाँ, आपके कलम की स्याही खत्म हो गई थी।